अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ एक प्रैक्टिस बोर्ड की। आई मेकअप और आईब्रो मेकिंग के लिए जो प्रैक्टिस बोर्ड्स मिलते हैं उसकी मैं वीडियो लेकर आई हूँ। ये मैंने दराज से ऑर्डर किया है और इसका आज मैं आपको रिव्यू देने जा रही हूँ कि मैंने ये किस लिए ऑर्डर किया और ये मुझे कैसा मिला, क्या मुझे ओरिजिनल प्रोडक्ट मिला या नहीं। तो हाँ, बिल्कुल मुझे ओरिजिनल प्रोडक्ट ही भेजा है उन्होंने, जिसकी मुझे काफ़ी खुशी हुई है क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया और ये काशीस से भी मिल रहा था, उसके अलावा ये एक अदर वेबसाइट से मिल रहा था जो मैंने यूट्यूब की वीडियो देखने के बाद सर्च की, लेकिन उस वेबसाइट पे भी काफ़ी एक्सपेंसिव था। काशीस के पास ये 5000 तक था और जो अदर वेबसाइट मुझे पता चली उस पर ये मिल रहा था 3000 प्लस का। तो मैंने दराज पे बहुत रिसर्च करने के बाद इसको ढूंढा और दराज से मुझे ये 1300 में मिला। तो 1300 में इसको जब मैंने रिसीव किया और इसको ओपन करके देखा तो बिलीव मी, ये 1300 से ज़्यादा का नहीं है। जो लोग 3000 और 5000 में बेच रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दे रहे हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट इतने का ही है जितने का मुझे मिला। तो खैर, इसका रिव्यू देते हैं आज हम आपको। ये बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है उन लोगों के लिए जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई मॉडल नहीं है। समटाइम्स आपको पार्टी मेकअप्स के लिए मेकअप करना पड़ता है एकदम, तो आपको फिर कुछ भी करना नहीं आता है, तो ख़ुद से आप अपने मेकअप करने के काबिल भी नहीं होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह मैं भी सीखना चाहती थी मेकअप करना, तो मैंने सोचा कि एक आजकल ये बहुत इन है मार्केट में चीज़, प्रैक्टिस बोर्ड जो है, अच्छी खासी इस पर प्रैक्टिस की जा सकती है आईज़ की और आईब्रोज़ की। तो मुझे ये फेस बहुत पसंद आया, मुझे ये डमी जो इन्होंने मुझे भेजा है ये मुझे बहुत पसंद आया। मुझे ये साथ में लिक्विड भी मिला है इसमें से, जो कि है मेकअप रिमूवल, तो इसको आप बाद में यूज़ करेंगे मेकअप को रिमूव करने के लिए। सो, इस पे डायरेक्शंस लिखी हुई हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे आपने कितनी क्वांटिटी में, और इसके अलावा भी आपके पास अगर कोई मेकअप ऑयल है, मेकअप रिमूवल के लिए जो ऑयल है कोई और भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इसका टेक्स्चर आप देख सकते हैं वीडियो में भी, बहुत टेक्स्चर उन्होंने थोड़ा रफ़ दिया है ताकि आप मेकअप अच्छे से कर सकें, उसको उसकी बेस भी बना सकें प्रॉपर जैसे फेस पे बनाते हैं मेकअप से पहले। और नीचे ये रबड़ लगे हुए हैं चारों साइड्स पे ताकि प्रोडक्ट जो है ये नीचे रख के इसकी अच्छी ग्रिप बने और ये हिले नहीं मेकअप करते वक्त, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इसका प्रॉपर टेक्स्चर कि ये किस तरह का है, और इसकी हम जो है इस पर आज मैं आपको मेकअप भी करके दिखाऊँगी, आईब्रोज़ भी बना के दिखाऊंगी। आईब्रोज़ के जस्ट उन्होंने थिन से ऊपर दो तीन बालों के निशान लगाए हुए हैं जस्ट कि यहाँ पे आपने आईब्रोज़ ड्रा करने हैं, तो बाकी आपको अंदाजे से सारा मेकअप करना है। तो इसी तरह जब इस पर हम प्रैक्टिस करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता मेकअप करना सीख जाएंगे, क्योंकि आईज़ जो उन्होंने दी हैं वो बहुत परफेक्ट है मेकअप करने के लिए। सो, इस पे मेकअप स्टार्ट करने से पहले इसकी फाउंडेशन से बेस बनानी होगी। सारी डायरेक्शंस जो हैं वो डिब्बे के पीछे बताई गई हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं, जिसमें यही बताया गया है कि कैसे आपने इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है। तो यूज़ करना तो मैं आपको दिखा ही दूंगी, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज की वीडियो ही मैं इस चीज़ पर बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने आईब्रो से स्टार्ट लिया, मैंने पेंसिल अप्लाई की और उसके बाद मैंने उसको डार्क करने के लिए थोड़ा आईलाइनर का यूज़ किया, अच्छे से उसको ब्लेंड किया और आईब्रो को शेप अप कर दिया। तो नेक्स्ट आप साथ साथ देखते जाएं कि मैं इस पर कैसे मेकओवर कर रही हूँ। अब अगर इसकी हम फिनिशिंग स्मूथ चाहते हैं तो उसके लिए हमें बेस यूज़ करनी होगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ दूसरी आंख पर कि मैंने जस्ट टच किया है शेड को और यहाँ पे शेडो बहुत ज़्यादा लगाया हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर हम प्रॉपर बेस यूज़ करना, प्रॉपर मेकअप चाहते हैं उसकी प्रॉपर फिनिशिंग, तो उसके लिए हमें इसके पोर्स को बंद करना होगा, जो सिलिकॉन का जो ये जो फेस बनाया हुआ है इसके पोर्स हैं, पोर्स को बंद करने के लिए फाउंडेशन यूज़ करना होगा, प्रॉपर बेस बनानी होगी।
ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छी आए मेकअप की। आईलाइनर अप्लाई करते वक्त मुझे एक बहुत बड़ी कमी फील हुई जो कि आईलैशेस की थी। आईलैशेस के बगैर आंख के मेकअप की वो बात नहीं बन पा रही थी। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आई मेकअप करूँगी इस पर, तो वीडियो बनाने से पहले मैं इस पर आईलैशेस अप्लाई करके फिर इस पर मेकअप करूँगी ताकि इसका प्रॉपर आई मेकअप का लुक आए। सो इसके बाद मैंने इसको रिमूव भी किया, बहुत ईजीली रिमूव हो जाएगा और कोई मुश्किल नहीं हुआ। हल्के से वो फ्यू ड्रॉप्स डालने से ऑयल के ये सारा रिमूव हो गया। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल क्लीन हो गया है। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड इट उन लोगों के लिए जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं और प्रैक्टिस करने के पास उनके पास कोई मॉडल नहीं है और ख़ुद पे वो डेली अप्लाई नहीं कर सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।